अस्पताल में इलाज के अभाव से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने पैसे लेकर भी इलाज में लापरवाही कर दी, जिस पर जीरो पर FIR दर्ज कराई गई है। तो वहीं निजी अस्पताल प्रबंधन ने मृतका को परिजनों के आरोपियों को निराधार बताकर मामले की जांच की मांग की है। एकदम झूठा सत्य है। इसमें 8 दिन से दीवार थी, हमारे पास सुबह 7-8 बजे पहुंची थी। जैसे ही आई है वैसे ही उसको समझा दिया गया था, ऑक्सीजन पे थी, बड़ी खराब हालत में थी, सांस फूल रही थी, पेट खुला हुआ था। उसको जैसे ही आई वैसे ही हमने ICU शिफ्ट करके ट्रीटमेंट चालू किया था, लेकिन कंडीशन बहुत खराब थी, है ना। हमने पीडियाट्रिशियन को भी दिखवा दिया था, लेकिन कंडीशन उसके लगातार लगे रहे, लेकिन वो बच नहीं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार गंभीर है। 30 सितंबर तक सभी को प्रथम डोज लगाने के CM ने निर्देश दिए हैं।